हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप GTA 5 4 एंड्रॉयड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यूज़र ब्राउज़र खोल लीजिए, ये आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और फिर आप इस पर टाइप कीजिए GTA 5 android.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ GTA 5 की जो ऑफिशियल साइट है वो खुल गई है। तो आपको यहाँ ये ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और ये 101 MB की ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी है, तो ये डाउनलोड हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी GTA 5 की जो ऐप है वो डाउनलोड हो गई है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो GTA 5 है ये ओपन हो गई है और यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। तो ये डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लेगा, लगभग इसमें आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये रियल डाउनलोडिंग नहीं होगी। जो डाउनलोडिंग होगी वो ये गेम में एंटर करने के बाद होगी रियल डाउनलोडिंग। तो ये तो सिर्फ इंस्टॉलिंग के लिए है। तो इसको मैं अगर पॉज कर रहा हूँ तो आपको मैं स्किप करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है लोडिंग स्टोरी मोड, तो बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है गेम। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके यहाँ, तो आप ने देख ही होगा कि क्या कि हम GTA 5 डाउनलोड कर चुके हैं और हम इसको खेल भी रहे हैं। बट एक बात जो मेन बात है, जब आप GTA डाउनलोड करेंगे और जब आप उसको चलाएंगे तो आपका एक OTP मांगेगा, कि मतलब आपको उसमें रजिस्टर करना होगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी गेम नहीं चलेगी। तो मैंने तो ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है, तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वेरीफाई करना होगा। तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं उसके लिए मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।